को और जो कुरान शरीफ को जो बदनाम कर रहे हैं, जो जो कत्लेआम मचा रहे हैं उनके लिए क्या है, और जो ये बैठे हुए हैं धर्म के ठेकेदार जो पता नहीं कौन सा कुरान शरीफ और कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं कि मजलूमों को, मासूमों को, निहत्तों को मारा जाए, उनके लिए ये है। थोड़ा ध्यान से ये जो चीज़ है ना, अगर ये पढ़ लिया कुरान शरीफ का चैप्टर नंबर 5 सूरह अल माईदा, 180 उसमें वर्जे हैं, 180 आयतें हैं, उसमें से 32 नंबर की आयत पढ़ना है। यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना ट्रांसलेशन बताते हैं। हो सकता है मेरा तलफ़ुज़ गलत हो सकता है मेरी बात गलत हो, मेरी जुबान उतनी साफ नहीं हो सकती, बिकॉज अरेबिक इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कठिन काम की कोशिश है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इज़राइला अन्नाहु मन कतला नफ्सा बी गैरी नफ्सिन औ फसादीन फिल अर्दी फका अन्नमा कतलन नासा जमीयन वमन अहिया फकन्नमा अहियन नासा जमीया वलाकद जा तुम रसूलन्ना बिल बैनाती सुम्मा इन्ना कसीरन मिनहुम बादा जालिका फिल अर्दी लामू सिरिफून। या तो ये गलत है, मतलब जो कुरान में लिखा है वो गलत है, या इनको जो पढ़ाया जा रहा है ये कुरान गलत है। ये उन मुस्लिम भाइयों के लिए, तुम्हें सोचना है, मुझे नहीं सोचना है ये बात कि क्या तुम गलत पढ़ाए जा रहे हो, बरगलाए जा रहे हो। धर्म के नाम पे कौन सा लिखा है भाई? जिस धर्म में पानी पिलाना भी सबब का काम है, वो धर्म कहां से बोल देगा कि किसी का गला काट दो मजलूमों। आइए बंधु, मैं इसके स्पष्टीकरण पहले दे दूं। ये कौन है सपड़ू? पता नहीं ये सपड़ू है या सपाड़ा है। ग्रैंड मास्टर शिफू जी, ये शिफू जी हैं कि झापू जी हैं, पता नहीं, ये भांज रहा है, जबकि इनको कुरान का का नहीं मालूम, कुरान का अता पता कुछ भी नहीं है इसको, और ना जानता है। और गलत तो खैर उसने अपने स्वीकार कर लिया है कि गलत भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सूरह माईदा का आयत नंबर 32 इसने बोला है, लेकिन आयत नंबर 33 को देखिए ज़रा। आयत नंबर 33 को पढ़िए तो पता लगेगा 33 में क्या है। 33 में उसका भी परिचय दिया हुआ है और 33 को पढ़ नहीं रहा है। और एक जगह अगर आया है कि एक आदमी को, बनी इसराइल के समय की बात है, वो बनी इसराइल के काल में जब वो अल्लाह ने इसराइलियों को के लिए ये हुक्म दिया था, लेकिन इन सपड़ू मियाँ को क्या पता, ये सपूजी बोल रहे हैं, सपूजी बोल रहे हैं या सपूजी बोल रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है। सूरह तौबा का पूरी सूरह को आप देख लीजिए, पूरा सूरह जो है तौबा, सूरह तौबा को आप देख लीजिए, कितनी जगह उसमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है। सूरह अनफाल को देखिए, सूरह अनफाल एक आयत ही पर्याप्त है, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, कहे नबी हम तुम्हें ताकीद करते हैं कि तुम काफिरों के खिलाफ लड़ो, मुसलमानों को उभारो, काफिर और मुशरिकों के खिलाफ जिहाद के लिए। तुम 20 मुसलमान हो, 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, 100 मुसलमान हो तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे। एक आयत ही पर्याप्त है, और ऐसी आयत कितनी है कुरान में, इस सपूजी को मालूम नहीं है, सपूजी को। और कुरान पर 84 में 1984 में अखिल भारत हिंदू महासभा के ओर से दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने में रिट दायर किया गया था 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और उसमें ये जजमेंट भी आया कि वाकई में यह आयत प्रतिबंध लगने काबिल है, प्रतिबंध लगाने के काबिल है। उसके बाद 1985 में कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान के ऊपर रिट पिटीशन दायर किया गया था, पद्मा खस्तगीर के इजलास में चांदमल चोपड़ा और
शीतल सिंह दोनों ने मिलकर के किया था पद्मा खत्तगिर के इजलास में। उसी पुस्तक को सीताराम गोयल ने छापा है, जो अंसारी रोड में उनकी दुकान है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। रही बात इन सप्पू जी की, देखिए ये जो तिवारी की हत्या हुई है, मैं उस दिन से ही मन बनाया था, लेकिन मैं चारों तरफ निहार रहा था कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, ये मैं देखूं। कमलेश तिवारी जी की हत्या जो हुई है, उस हत्या का कारण कौन है, ये देख लीजिए। उस हत्या का प्रेरणा स्रोत कौन है, और ये सप्पू जी कह रहे हैं दोषी कौन है। अबे दोषी देख ले, तू तो बेबाक रहा है, अबे देख ले दोषी कौन है, इस किताब का नाम क्या है, तू तो उर्दू जानता नहीं है। वैसे ही सूरह 32 आयत उसको हिंदी में रट करके बोला है, देख ले, अगर आंख है पढ़ने जानता, पढ़ना जानता है, पढ़ना आता है तो देख ले ये क्या है। इस किताब का नाम है गुस्ताखे रसूल, इस किताब का नाम है गुस्ताखे रसूल, यानी रसूल के ऊपर जो कोई बात करे तो वो इस्लाम के नज़र में वो दोषी है, केवल दोषी नहीं वाजिबुल कत्ल है। ये ले, ये गुस्ताखे रसूल ले, पढ़ना आता है सप्पू जी तुझे, अरे पढ़ना आता है तुझे, पढ़ना आता है तो पढ़ ले मूर्खानंद, यहाँ क्या लिखा है देख। मैं इसका कुछ पेज निकाला हूँ प्रिंट, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर कोई भी कुछ बोले तो वो वाजिबुल कत्ल है, वो कत्ल करने योग्य है, ये सहन नहीं करेंगे, उनको कत्ल किया जाएगा। और देखिए कहा गया, तौहीन रिसालत उम्मते मसला के लिए नाकाबिल बर्दाश्त, ये नाकाबिल बर्दाश्त इस इस्लाम के लिए बता जा रहे हैं। अब वहाँ मर्यादा में क्या है, क्या आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व रहमत एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी मुता ईमान है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अदना भी बेअदबी वो गुस्ताखी के लिए वो नाकाबिल बर्दाश्त है, इसलिए वो कत्ल करने योग्य है। मुसलमान कितना ही गाफिल कैसा ही हो, अमल और इस्लाम की इबादत व ताल्लुकात कितना ही गिरा हुआ हो, आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुरमत में मरने के लिए वो तैयार रहता है। और ऐसे मौजू पर गुस्ताख उनको माना गया है, जो कोई भी कुछ कहे। आए ये सब पाकिस्तानी उलमाओं ने भी दिया है कि ये सारा अंडरलाइन क्या हुआ, सप्पू देख, अबे सप्पू देख, गुस्ताखे रसूल कुरान की नज़र में, कुरान करीम में यही बताया गया है कि मौज़न रसूल दुनिया व आखिरत में खुदा ताला फरमाते हैं मलाउन है, और वो दोनों जहान के में से इसलिए रिस्वा कुन अदाब अदाब है। इन्नल लदीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनतुल्लाह फिल दुनिया वल आखिरत व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57 में क्या बताया, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को नज़रअंदाज कर देते हैं, अल्लाह ताला उन पर दुनिया व आखिरत में लानत करता है और उनके लिए जलील करने वाली अजाब तैयार रखा है। ये अल्लाह जब अजाब तैयार रखा है कुरान के अनुसार,
तो फिर दुनिया में ये मुसलमान उसको क्यों मार रहे हैं, जब अजाब अल्लाह ने तैयार किया हुआ है, अल्लाह का ही अजाब किया हुआ तैयार किया हुआ है। अरे वो सब कुछ ही बता कि फिर कोई मुसलमान ही क्यों किसकी गला काट रहा है, और यहां वाजिबुल कत्ल बताया है। केवल इतना ही नहीं, और देखिए कि वो भी इस तरफ है कि फटकारे हुए हैं जहां मिलेंगे पकड़ धकड़ कर और मार डालो उसको, कि अल्लाह ताला ने उन लोगों की अपना ही दस्तूर ऐसा रखा है जो पहले हो गुजर चुके हैं, और अब खुदा के दस्तूर में से ये शख्स ही तरफ बदौलत ना पाएंगे। और हदीस में आया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो किसी नबी को बुरा कहे उसे कत्ल कर दिया जाए। सुन रहा है बे सबको, सुन यहाँ क्या बोला है, जो नबी के बारे में कुछ कहे, ये हज़रत अली करमुल्ला वजू बता रहे हैं, उनसे मरवी है कि फरमाएं कि जो किसी ने नबी के बारे में कुछ कहा उसे कत्ल कर दिया जाए, और जो सहाबा को बुरा कहे उसे भी कोड़े लगाए जाएं। ये है इस्लाम, ये है कुरान। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दिया हुआ है, ये बहुत कुछ बक रहा है, मैं नहीं बोला उसको, रोक दिया मैं, बहुत कुछ बक रहा है, पता नहीं कहाँ का है, कौन सा है, वो कह रहा है कि डिबेट के लिए आ जा, आ जा डिबेट के लिए आ जा, क्या डिबेट करना चाहता है, डिबेट के लिए आ जा दिल्ली में, डिबेट के लिए तैयार हो और डिबेट दिल्ली में ही किया जाएगा, आ जा दिल्ली में, कितना क्या जानता है, सामने बैठ करके देखेंगे हम। देखिए जो तिवारी, कमलेश तिवारी को जो मारा गया है उसके लिए यही है प्रेरणा स्रोत, जिस किताब का नाम ही है गुस्ताखे रसूल। इस किताब की प्रेरणा से ही उसको मारा गया है। लेकिन मैं परेशान हूँ इस बात से, और हम जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो कुरान के ऊपर चैलेंज किया था ना 85 में, वो सारा रेफरेंस तो मेरे ही है, उस समय हमने यही दिखाया था उसमें कि जब भारतीय संविधान में ये दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भारतवर्ष के अंदर में यह कानून व्यवस्था है कि एक आदमी दूसरे आदमी को किसी को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए अगर उसकाए तो वो उसकाने वाला भी दोषी है। अब कुरान में हजारों आयत ऐसे, वक़ातुल हत्ता ला तकुन फितनतुन व यकून अद्दीन लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल न जावे, जब तक काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो, वलियुअइसल्लाहिल्लज़ीना आमनू में हक़्क़ल काफिरीन, काफिर के दिल में हम पर्दा डाल देते हैं, रगब डाल देते हैं, जहां पाओ वहीं कूट कूट करके मारो, وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلهم حيث ثقفتمهم واخرجهم من حيث اخرجكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتل من المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فان قاتلكم فاقتلهم كذلك جزاء الكافرين। अबे सबको तो एक ही सुनाया मैं, कितना सुना दिया, सुन, इन सब आयतों में अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए छूट दिया हुआ है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो, उनको मौत के घाट उतारो, सूरा तौबा भरा पड़ा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर आ जा जानता है ज्यादा तो सामने आकर के डिबेट कर। मैंने बोला कि 85 में जब कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान के ऊपर रिट दायर किया गया था, तो उसमें हमारा एक पॉइंट ये था कि जब एक दूसरे को किसी को मारने के लिए उसकाता है तो वो भी दोषी ठहराता है, उसको भी दोषी ठहराया जाता है, वो भी दोषी कहलाता है। तो जो कुरान मुसलमानों को गैर मुस्लिमों को मारने के लिए आदेश दे रहा है, जो कुरान मुसलमानों को गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए हुक्म दे रहा है, क्या वो कुरान दोषी नहीं है? क्या उस कुरान पर प्रतिमा लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए? पर इस पर विचार करना चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको सामने उजागर करना चाहिए। रही बात ये सपरू कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता की बात, अबे हिंदू मुस्लिम एकता की बात कुरान ने, अल्लाह ने मना किया है,
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، اگر تم کافروں کو دوست بناتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ تم سے دوستی نہیں رکھتا. یہ ایک جگہ نہیں، یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 28، یہی آیت سورہ النساء آیت نمبر 144، یہی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 57، یہی ہے سورہ مجادلہ کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مسلمان مسلمانوں کو کافروں سے دوستی رکھنے کے لیے اللہ نے منع کیا. تو کائے کا ہندو مسلم کا پاٹ پڑھا رہا بے، تو کیا ہندو مسلم کا پاٹ پڑھائے گا؟ ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم ایکتا کی بات ہوتی اگر تو جب مسلمانوں نے بھارت ورش کو قبضہ کیا، بھارت ورش پر اپنا ورچسو قائم کیا، ہندوؤں کو قتل عام کیا ہے. پڑھ اتہاس، پڑھا لکھا ہے کیا تو؟ تو اگر پڑھا لکھا ہے تو اتہاس پڑھ کر کے دیکھ، بھارتی اتہاس کو کھول کر کے دیکھ، کھنگال کر کے دیکھ کیا ہے اس میں، اس تب پتہ لے گا. اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں، آج بہت نازک استھتی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اس اسلام روپی کینسر کو اگر سماپت نہ کیا جائے تو یہ سب لوگ اس کینسر سے گروسیت ہوں گے. تو اس کینسر روپی روگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اچھی ٹریٹمنٹ چاہیے، اچھی چکتسا چاہیے، بہت ڈھنگ کا چکتسا ہونا چاہیے، اور ڈھنگ کا چکتسا ہو تبھی اس کینسر کو دور کیا جا سکتا ہے. اب وہ مسلمان کون ہے دیکھیے، ابھی میں لکھ رہا تھا یہ سورہ آراف کا، حضرت موسیٰ نام کے پیغمبر، جو موسیٰ اس کے پاس ایک چھڑی ہے، اس چھڑی کو پھینک دیتا ہے وہ اژدہا سانپ بن جاتا ہے. اور چھڑی کا سانپ بننا کیوں اور کیسا سمبھو ہے، کون سائنٹسٹ اس کو مان لے گا، کون وگیان کے جانکار اس کو صحیح اور سچ مانیں گے؟ پر اس کو سچ ماننے والا مسلمان ہوگا، ایماندار کہلائے گا وہ، اور اس کو جو ابشواس کرے وہ ہے بے ایمان. یہ ہے اللہ، اللہ کو بھی عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نویدن کر رہا ہوں، کیول اتنا ہی نہیں، وہ جادوگری کا کھیل وہاں پر وہ دکھا رہا ہے فرعون کے ساتھ، جادو کا کھیل، اور اللہ نے اس کو مہیا کرایا ہے. کیول اتنا ہی نہیں، جب پانی طلب کیا ان کے ساتھیوں نے تو اللہ نے کہا کہ تم اپنا چھڑی اس پتھر پر مارو، اس چھڑی پتھر پر مارنے سے 12 چشمہ جاری ہو گیا. یہی سب گپ ہے کہ نہیں ہے؟ ان گپ کو، اندھوشواس کو جو مانتا ہے وہ ایماندار کہلاتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور اس پر جو سندیہ کرتا ہے، اس کو جو گپ مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ بے ایمان. یہ ہے تماشا کل ملا کر کے. تو اسلام پورا اندھوشواس کا نام اسلام ہے، بلائنڈنیس کا نام اسلام ہے، یا جتنے بھی مذہب ہیں سبھی مذہب میں یہ بلائنڈنیس ہے. لیکن ست سناتن ویدک دھرم میں بلائنڈنیس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا. یس ترکے انوسندھن تو سدھر میں بھی دینے ترا، ہر بات کو تر کے کسوٹی پر کسو، جواب دے تو ماننا، جواب نہ دے تو مت ماننا. اسی لیے میں نے دو ٹک میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچانا اچھی سمجھا. کئی لوگوں نے بنایا ہے، بھائی رونق جو ایک ہاس کلاکار ہیں، وہ انہوں نے بھی ایک فلم، انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنا کر کے دیا ہے. لیکن آشچری کی بات یہ ہے کہ کملیش تیواری کے مرے ہوئے اتنے دن ہو گئے کہ کون سا مسلمان آ کر کے اس کا ویرودھ کیا کہ ہاں قاتل کا ویرودھ کیا. جو اگر یہی جو یہ سپو کہہ رہا ہے، یہ سپو اگر کسی مسلمان سے کہلوا دیتا تب نہ بات بنتی. کسی مسلمان نے بولا ہے کیا کہ ایک مسلمان، ایک کسی ایک ویکتی کا قتل کرنا سمپورن مانوتا کا قتل ہے؟ کسی مسلمان نے بولا ہے؟ احمد بخاری نے بولا، یا مفتی مکرم نے بولا، یا کوئی بڑے اسلام کے ماننے والے، اسلام کے جانکار، اسلام جگت کا عالم، اسلام جگت کا کوئی ودوان نے اس کا ویرودھ کیا ہے؟ بلکہ وہ مسجدوں میں ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، دعا خیر کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو جنت نصیب ہو، اے اللہ ان کو چھٹکارا مل جائے، آدھی آدھی یہ جو پکڑے گئے ہیں سارا. تو یہ ہے اسلام، اسلام کو جانو سب کو، آؤ میرے پاس گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھو، میں پڑھاؤں گا، میں جانکاری دوں گا. پہلے جانکاری لو، پھر اس کے بعد آ کر کے بولنا سامنے. بکواس کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میڈیا میں آ کر کے اس طریقے سے بکواس کیے جا رہے، جھوٹی
झूठ का पुलिंदा फैला रहे हो। किसी मुसलमान ने विरोध किया हो तो बता, एक का नाम बता, किसी मुसलमान ने विरोध किया इसका कि जो वो कमलेश तिवारी का कत्ल किया है वो गलत किया है? जब मानवता का कत्ल तू बता रहा है तो किसी मुसलमान के द्वारा कहलवा देता तब तो बात बनती। कोई आलिम आकर के कहता, जो दूरदर्शन में इतने आलिम मौलाना लोग बैठे बैठे भाषण झाड़ते हैं, किसी मौलाना ने बोला है क्या आज तक? इस्लाम में ये जायज नहीं है, इस्लाम में ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यही तो ये किताब बता रहा है। इसलिए इस किताब का नाम मैं बोला गुस्ताख़े रसूल, रसूल के मर्यादा पे जो बोले वो गुस्ताख है, वो दोषी है, दोषी है। 52 साल की आयु में 6 साल की अबो से शादी करना दोष नहीं है, जो करे वो दोषी नहीं है, जो बोले वो दोषी है। क्या तमाशा है, अपने मुंह बोला एडॉप्ट किए हुए बेटे के पत्नी के साथ तलाक दिलवा करके शादी करना, ये जो करे वो सही है और जो बोले वो दोषी है, ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। सही और गलत का निर्णय लेने के लिए लोग के पास जवाब नहीं, बकवास किया जा रहा है, ये बेटा हिंदू है, अब पता नहीं हिंदू है कि क्या है, वो दो असला है, कुछ भी हो। मैंने निवेदन किया कि सब मिल करके इसी तरीके से ये गलत प्रचार किया जा रहा है, गलत प्रचार हो रहा है कि वाकई में कमलेश तिवारी को न्याय मिलना संभव नहीं हुआ और न हो रहा है। कमलेश तिवारी के लिए न्याय यही मिलना है, मिलना तब होगा जब ऐसी ऐसी जिस किताब में, जिस पुस्तक में उनको कत्ल करने की प्रेरणा दी गई हो, ऐसे पुस्तकों पर बैन लगाने पर ही तिवारी जी की आत्मा को शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।